morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed what type of society was there in Germany during the Hitler's rule. Kis prakar ke samaj ki sthapna ki gayi thi, racial discrimination was there. Ki physical appearance jo hamari uske aadhar par samaj ko divide kar diya gaya tha. Then after how he want to prepare the youth of the country. Ki kis prakar desh ke yuvaon ko taiyar karna chahta tha according to the Nazi view. फिर उसकी नाजी थिंकिंग क्या थी, नाजी आइडियोलॉजी क्या थी रिगार्डिंग द वुमेन, कि महिलाओं के प्रति नाजी आइडियोलॉजी क्या थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि महिलाओं को, ये जो लोग डेमोक्रेट्स थे कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, तो हिटलर मानता था ये गलत है, ये सोसाइटी को बर्बाद कर देगा, महिलाएं और पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते, महिलाओं की जिम्मेवारी है घर पर रहना, प्योर नॉर्डिक आर्यंस जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना एंड टू मल्टीप्लाई द रेस, संख्या बढ़ाना, उसके लिए उन्होंने अवार्ड तक डिक्लेयर कर दिए थे. इफ समवन इज गोइंग टू गिव बर्थ टू फोर चिल्ड्रन नॉर्डिक आर्यन चिल्ड्रन देन ब्रोंज क्रॉस देन आफ्टर फोर सिक्स सिल्वर फोर एट एंड अबव गोल्ड क्रॉस वाज गिवन एंड सम रिलैक्सेशन वर आल्सो गिवन. अब है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. ये इतना सारा अत्याचार जब किया गया, इतनी सारी ब्रूटलिटी के साथ जब उनके साथ व्यवहार किया गया पूरे जर्मनी के अंदर, किसके साथ, अनडिजायरेबल के साथ, अनडिजायरेबल कौन, अपार्ट फ्रॉम नॉर्डिक आर्यंस ऑल आर अनडिजायरेबल, इन नॉर्डिक आर्यंस के अलावा सारे अनडिजायरेबल थे. अब उसमें एक चीज थी कि मीडिया में अगर कोई वर्ड आएगा या फिर वर्ल्ड के सामने कोई चीज आएगी तो उसमें क्या कुछ रिएक्शंस होंगी, किस प्रकार हमारे खिलाफ माहौल बन सकता, तो उन्होंने मीडिया का बड़ा ध्यान से इस्तेमाल किया. उन्होंने पूरा कार्यक्रम इस प्रकार का बनाया कि किस प्रकार को बाकी समाज को पता ही नहीं चले, बाकी वर्ल्ड में इस तरह की जानकारियां पता ही ना चले क्या क्या वर्ड इस्तेमाल होंगे मीडिया के अंदर. अब देखिए किस प्रकार वर्ड इस्तेमाल किए गए, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनल सॉल्यूशन. ये देखो देखने में क्या लगता है, कोई समस्या थी समाधान कर दिया गया, फाइनल सॉल्यूशन है, और किसी बीमारी का विशेष उपचार कर दिया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट. लेकिन किसके लिए वर्ड इस्तेमाल होते थे, दे किल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, काफी संख्या में लोगों को मारा गया था, लेकिन मीडिया में नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर, कभी मारने से संबंधित कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया. जहां काफी संख्या में लोगों को मारा जाता उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते स्पेशल ट्रीटमेंट वाज डन. फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन कर दिया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया. अब उसके बाद देखो दूसरा, फिर एक डिसइंफेक्शन, मतलब इसके लिए जो डिसेबल थे, जो लोग सक्षम नहीं थे, किसी का हाथ नहीं, किसी का बट डिसेबल्स है, उनको मारा गया एक साथ इंटेंसिव प्रोग्राम के तहत, एक साथ मारा गया, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया डिसइंफेक्शन. और जो गैस चैम्बर जहां ले जाके लोगों को मारा जाता था, अगर कोई मान लो कि कोई पिक्चर वगैरह लेना चाहे तो उनको किस प्रकार का बना रखा था, दे वर इन द शेप ऑफ ए बाथरूम विद शावर्स, कि हमारे जो बाथरूम में शावर लगे होते हैं पानी चढ़े थे, उस प्रकार उनकी शेप बना रखी थी कि उनको देखने से ऐसा नहीं लगता हो कि यहाँ लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मारा जाता होगा. तो इस प्रकार इनका जो प्रोपेगेंडा था उसकी एक विशेष तौर पर एक योजना बनाई गई थी, किस प्रकार हमें मीडिया के अंदर कितना केयरफुली हमें वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार जो भी चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मारने के लिए उनको किस प्रकार डिजाइन करना है. अब उसके साथ साथ उन्होंने और चीजें क्या की कि जो अनडिजायरेबल थे उनके खिलाफ जस्ट टू स्प्रेड द हैट्रेड, गड़ा फैलाने के लिए उन्होंने पोस्टर्स फिल्में बनवाई, और यहूदियों की तो अलग से कि उनकी नाक ऐसी है, उनकी दाढ़ी है बड़ी बड़ी है जो कि ऐसे इधर उधर फ्लोइंग विद द एयर, तो इस प्रकार की उनकी एक वो बना दी गई कि जिससे कि अलग स्टीरियोटाइप की जो लोग देखें देखते उनसे नफरत हो जाए. तो ये सारा क्या था, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, कि पोस्टर पैम्पलेट फिल्में बनाई गई उनके ऊपर. और ऐसे एक सबसे इसी प्रकार की फिल्म देखें जो कि यहूदियों के खिलाफ इटर्नल ज्यू, एक फिल्म बनाई गई थी जो कि उनके खिलाफ गड़ा फैलाने के लिए ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया. अब वहीं इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते समय देखा बताया गया कि ओर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सामान्य लोग क्या सोच रहे थे, उससे कुछ घटनाएं हो रही थी. जो नाजी आइडियोलॉजी के लोग थे वो चाहते थे सब कुछ अच्छा हो रहा है, यानी समाज में मेजोरिटी के अनुसार शासन चल रहा है, वो लोग उसमें जो शामिल है मेजोरिटी के जो हिस्सा है वो तो मानते सब अच्छा हो रहा है, बाकी लोगों को निकल जाना चाहिए. लेकिन सब लोग तो नाजी नहीं थे, सब लोग तो नाजी आइडियोलॉजी सहमत नहीं थे, तो वो लोग इसका रेजिस्टेंस, एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कर रहे थे, यानी साफ तौर पर उसका विरोध नहीं कर रहे थे, कुछ एक थे उनको मार दिया जाता. अब उसी में एक पोएट ने लिखा है कि हालत क्या थी, कि सबसे पहले कम्युनिस्ट को टारगेट किया गया नाजी के द्वारा, जो बाकी जो समाज में लोग थे चाहे वो यहूदी थे चाहे डेमोक्रेट थे चाहे सोशलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि देखो मैं कम्युनिस्ट तो हूं नहीं, मारने दो. फिर बारी आई उन सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स की,
फिर ये लगा जो यहूदी बचे हुए थे कि नहीं हम सोच रिटर्न तो है नहीं जाने दो। फिर बारी आई यहूदियों की तो उनको मारा गया, तो बाकी जो समाज में लोग बचे हुए थे रोडी काटने के लिए उनको लगा देखो हमारी बारी तो आई नहीं मरने दो। और अल्टीमेटली इट कम्स द टर्न ऑफ मी, जो अंतिम व्यक्ति सब कुछ देख रहा आसानी से उसकी बारी आई, नो वन वाज देयर टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए कोई नहीं रहा। तो स्थिति दे रखी है कि जब हम किसी एक अत्याचार को सहन करते चले जाते हैं कि नहीं हमारे साथ हो नहीं रहा किसी दूसरे के साथ हो रहा है, एक दिन ऐसा होता है कि हमारी बारी आ जाती है, वो दूसरा हमारे बचाने के लिए नहीं होता। यही हालत हिटलर के समय जर्मनी हुई कि जब जर्मनी में एक एक करके लोगों को मारा जा रहा था किसी ने विरोध नहीं किया और अल्टीमेटली सबकी बारी आती चली गई। तो ये देखा था सामान्य विचार। और लास्ट टॉपिक इस लेसन का हम पढ़ेंगे द होलोकॉस्ट, कि जो कुछ पर्ले डिस्ट्रक्शन जो किया गया उसमें, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।